गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पाठ 5 राजेंद्र बाबू के प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, गज्जन पानी भीतर क्यों ले जा रहा था? उत्तर, गज्जन पानी भीतर सभा में आए लोगों के स्नान के लिए ले जा रहा था। प्रश्न 2, एक व्यक्ति ने गज्जन से क्या कहा? उत्तर, एक व्यक्ति ने गज्जन से कहा, भाई जरा बाल्टी दे दो, हम भी नहा लें। प्रश्न 3, गज्जन ने व्यक्ति को बाल्टी क्यों नहीं दी? उत्तर, गज्जन ने व्यक्ति को बाल्टी इसलिए नहीं दी क्योंकि उसे सभा में आए लोगों के हर कमरे में नहाने के लिए पानी पहुंचाना था। प्रश्न 4, गज्जन ने राजेंद्र बाबू से क्षमा क्यों मांगी? उत्तर, गज्जन ने राजेंद्र बाबू से क्षमा इसलिए मांगी क्योंकि उसने राजेंद्र बाबू को नहाने के लिए बाल्टी नहीं दी। अब हम करेंगे इस पाठ के लिखित प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, व्यक्ति ने बाल्टी क्यों मांगी? उत्तर, व्यक्ति ने नहाने के लिए बाल्टी मांगी। प्रश्न 2, व्यक्ति ने गज्जन की कैसे मदद की? उत्तर, वह व्यक्ति दौड़ दौड़ कर गज्जन को पानी से भरी बाल्टी पकड़ाने लगा, जिससे सब कमरों में पानी पहुंच गया। प्रश्न 3, राजेंद्र बाबू कैसे व्यक्ति थे? उत्तर, राजेंद्र बाबू सीधे सादे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके मन में छोटे बड़े का कोई विचार नहीं था। उन्होंने एक साधारण किसान की तरह जीवन बिताया। ये स्टूडेंट्स, ये थे हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स में जो वह व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो राजेंद्र बाबू के बारे में बात हो रही है। इस चैप्टर को भी और क्वेश्चन को भी एक बार फिर से थोरोली रीड कीजिएगा। थैंक यू।